नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बिस्टिकस थोड़े से इमोशनल होते हैं और बोलने में तेज होते हैं, साथ ही निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होती है। सच्चाई का पता लगाना, खोज करते रहना इनके विशेष गुण होते हैं और वृश्चिक राशि वाले महान नेता बनते हैं। कोई भी स्थिति हो, हमेशा ही कुशलता का अपनी परिचय देते हैं। दोस्तों, वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ये जाने जाते हैं। वृश्चिक राशि वालों पर कोई भी बहुत ही आसानी से यकीन कर सकता है, क्योंकि ये किसी का भी रहस्य बाहर जल्दी आने नहीं देते, कोशिश करते हैं कि अपने तक ही रखें। साथ ही साथ एक और चीज़ है, वृश्चिक राशि में जिनका जन्म होता है या जिनकी है राशि, वे लोग अपनी उम्र के अनुसार थोड़े से बड़े दिखते हैं, यानी जितनी उम्र हो रही है उनकी उससे थोड़ी अधिक उम्र के दिखते हैं। ये जो भी कार्य करते हैं उसके लिए समर्पित होते हैं और बेईमानी से इन्हें घृणा होती है। और वृश्चिक वाले बहुत ही ज़्यादा बहादुर होते हैं और इसी कारण से इनके मित्र भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम इनके प्यार की बात करें, वृश्चिक वाले बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं और बुद्धिमान और ईमानदार जीवन साथी की चाहत रखते हैं। एक बार अगर किसी के प्यार में पड़ गए तो फिर उसे निभाने की, वफादार रहने की हर संभव प्रयास करते हैं। हालांकि बहुत सोच समझ करने के बाद ही ये किसी भी रिश्ते में बनते हैं, क्योंकि कभी कभी जीवन साथी पर विश्वास जताने और सम्मान पैदा करने के लिए उन्हें बहुत समय की ज़रूरत भी पड़ती है, यानी कि थोड़ा सा लंबा समय लेते हैं, पर एक बार जो दिल में बैठ गया वो बैठ गया। ईमानदारी, निष्पक्षता वृश्चिक वालों को एक महान मित्र भी बनाती है और जब काम करने की बात आती है तो फिर बहुत ही समर्पित और वफादार होते हैं वृश्चिक राशि वाले। तर्क करना, बुद्धिमानी का परिचय देना, मजाक करना और मजाकिया पसंद लोगों के साथ रहना इन्हें अच्छा लगता है। आश्चर्य से भरे हुए होते हैं ये सब। जब ये कष्ट में होते हैं तो इन्हें ढांढस बंधाना, एक जो कहते हैं बेहतर महसूस कराना, बहुत ही ज़्यादा असंभव प्रतीत होने लगता है। लेकिन अपने परिवार का पूरा ख्याल रखते हैं। अगर करियर और पैसा की बात करें तो वृश्चिक वाले किसी एक लक्ष्य को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो पीछे हटने का सवाल नहीं उठता जब तक कि उसे प्राप्त नहीं कर लेते। अगर वृश्चिक वाले कोई वैज्ञानिक हैं तो फिर बहुत अच्छा है। ये जिस चीज़ की भी खोज करेंगे उसके अंत तक तह तक जरूर जाएंगे। और वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा क्षेत्र होता भी है वैज्ञानिक का, चिकित्सक, शोधकर्ता, नाविक, जासूस, पुलिस, व्यवसाय प्रबंधक, मनोवैज्ञानिक, इन सभी क्षेत्रों में ये बहुत नाम कमाते हैं और इनके लिए ये सब सूटेबल भी है। वृश्चिक वाले चूंकि सबका सम्मान करते हैं इसलिए ये भी चाहते हैं कि इनका भी हर कोई सम्मान करे। बहुत ही ज़्यादा अनुशासित होते हैं और खुद को एक बेहतर स्थिति में लाने के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। हालांकि ज़्यादा खर्च नहीं करते, पैसा इनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, इन्हें पता है कि पैसे का महत्व क्या है, इसलिए बचत करने में विश्वास रखते हैं और कहीं भी खर्च करना हो, कहीं निवेश करना हो तो पहले अच्छे से सोच लेंगे फिर निर्णय लेंगे। अब हम बात करते हैं वृश्चिक वालों के प्यार की, लव या फिर लव लाइफ, लव रिलेशनशिप की। तो इसके लिए आपको ईमानदार और स्वभाव का कोमल रहना बहुत ज़रूरी होगा, साथ ही थोड़े से चंचल बनना होगा। इन लोगों की तरफ ये ज़्यादा आकर्षित होते हैं, साथ ही भावनात्मक रूप से जो आकर्षित कर सके ऐसी चीज़ें इन्हें रुभाती है, यानी आपको इमोशनली इन्हें ब्लैकमेल भी कर सकती हैं, या हम कहें तो इसके इनके इमोशन के साथ घुल मिलकर इन पे आप काबू पा सकती हैं। कभी भी वृश्चिक राशि वाले पुरुष के ऊपर काबू नहीं पाने की कोशिश करना चाहिए, वरना नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं वृश्चिक महिलाओं की। हाँ, इनके साथ आप डेटिंग पे जा सकते हैं,
लेकिन इनका प्यार पाने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता होगी और प्यार में पड़ते ही वह अपने रिश्तों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देगी। ऐसी होती है वृश्चिक राशि की महिलाएं। पूरी तरह से समर्पित जीवन साथी बन जाती हैं, ईमानदार रहती हैं, लेकिन इनके साथ कभी भी बहस मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने इनके साथ बहस किया तो वो आसानी से माफ़ भी नहीं करेंगी और भूलेंगी भी नहीं। तो ऐसे होते हैं वृश्चिक राशि वाले, बहुत अच्छे पर उम्र में जितनी उम्र है उससे थोड़े से बड़े दिखते हैं। इसलिए आप इस धोखा मत खाइए कि बहुत एजेड नहीं होते हैं, उनका अपना अपना स्वभाव है हर राशि का। हैं वृश्चिक राशि वालों, आप अपने पर्स में वो कौन सी दो वस्तुएं हैं जो रखें जिससे आप माँ लक्ष्मी के कृपा के पात्र बन जाएं? आइए हम आपको बतलाते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बतला दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, और साथ ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा या बुरा। हर तरह के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके पर्स की। वैसे हम बतला दें कि वृश्चिक राशि वालों को धन और शोहरत थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है, और शोहरत पाने में तो बड़ी कठिनाई भी आती है। तो इसके लिए आप भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिए और हल्के पीले रंग का खूब प्रयोग करें। हम बात कर रहे हैं आपके पर्स की। दोस्तों, तो आप अपने पर्स में एक मोर पंख रखें। मोर पंख रखने से क्या होता है, सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं या फिर ग्रह के जो खराब प्रभाव हैं वो कम हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ है तांबे का सिक्का, आप मंगलवार के दिन आप अपने पर्स में रखें, या फिर आप चाहें तो मंगलवार के दिन ही लाल धागे में छेद वाला सिक्का भी अवेलेबल है अभी मार्केट में, पहले ज़माने के हैं तांबे के सिक्के, आप गले में धारण करें। इससे क्या होगा, आपके जो ये धन वाला पार्ट है वो मजबूत होगा, पारिवारिक जीवन भी बेहतर होगा, संतान उत्पत्ति की समस्या भी दूर होगी, और अगर आप मकान बनाने की इच्छुक है तो मकान भी जल्दी बन जाएगी। यानी कि सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके तांबे के सिक्के में छिपा हुआ है। आप वृश्चिक राशि वालों का, आपका शुभ समय अब शुरू होता है, अब आपका भाग्य भी बदलेगा, साथ ही आपका गुड लक और एक शुभ अक्षर जो आपकी किस्मत बदल सकता है, और वो शुभ अक्षर क्या है हम आपको बतलाएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाएं, और अगर किसी भी तरह की कोई मन में दुविधा है या कुछ प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाएं। चलिए हम बतलाते हैं वृश्चिक राशि, जल तत्व की राशि है और चंद्रमा से आपका गहरा संबंध है, और आपका मालिक स्वयं मंगल है, इतना तो आप हम सभी जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके लिए शुभ अक्षर कौन सा है। आपके लिए शुभ अक्षर यानी लकी अक्षर, वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ अक्षर है अ न प द, यानी कि ए एन पी और डी, ए एन पी और डी। और अशुभ अक्षर होते हैं व र अर क, यानी कि आर के और डब्लू या बी। ये अक्षर आपको लाइफ में समस्या देंगे, प्लीज़ इन अक्षरों से आप सावधान रहें। और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अ का यानी ए अक्षर का प्रयोग करना चाहिए। ए आपके लिए बहुत लक्ष्य अक्षर है। अगर आपके साथ ए नाम का कोई दोस्त है, आपके घर के मेंबर है, आपकी जो भी इंडस्ट्री है या जहां सर्विस करते हैं, या फिर आपका बंगला का भी नाम ए से स्टार्ट होता है, तो ये फिर आपके लिए बहुत लकी रहेगा। या फिर वाइफ ही अगर आपकी या आपके हस्बैंड ए अक्षर से उनका नाम स्टार्ट होता है तो फिर आपकी तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि यहाँ पे हम शुभ अक्षर की बात कर रहे हैं। और कहते हैं ना, निर्जीव या सजीव किसी भी चीज़ से फर्क पड़ता है, बस ये आप जान लीजिए ये अक्षर आपकी किस्मत की चाबी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके भाग्य में चार चांद लगाने वाला यंत्र की, और ये यंत्र होगा मंगल का यंत्र, अंक वाला, सोना और चांदी में मिलाकर निर्मित किया हुआ मंगल का यंत्र अंक वाला।
ट्रायंगल आकार में बना हुआ होना चाहिए और लाल धागे में मंगलवार के दिन शाम में गले में धारण करें। आप चाहें तो अंगूठी में भी धारण कर सकते हैं, लेकिन आपको ये यंत्र सोना और चांदी दोनों ही बराबर मात्रा में मिलवा के बनवाना है, छोटा सा ट्रायंगल आकार में। ये आपके भाग्य को चार चांद लगाएगा भाग्य में और हर काम में सफलता दिलाएगा। इसके साथ ही आपको एक और कार्य करना है, आपको चांदी का छल्ला, अंगूठी या फिर कड़ा पहनना है। ये भी आपको मंगलवार के दिन ही धारण करना है और हनुमान जी की आप आराधना करें, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। इससे क्या होगा कि लोग आपकी बातें ध्यान से सुनेंगे, आपका सम्मान करेंगे और मान सम्मान आपका आपके अपनों के बीच अपने समाज में बढ़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने के लिए। इसलिए हम आपको ये सारी चीज़ें बतला रहे हैं। वैसे तो दोस्तों, आप वृश्चिक वालों का चंद्रमा और बृहस्पति, साथ ही सूर्य, ये आपके कैरियर डिसाइड करते हैं आपकी कुंडली में, यानी कि वृश्चिक राशि की कुंडली में चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य ही कैरियर डिसाइड करते हैं। और आपको सेवा संबंधी कार्य, शिक्षा या पत्रकारिता संबंधी या फिर मीडिया की नौकरी में काफ़ी फायदा होगा। अगर आपको जॉब वगैरह का आप सोच रहे हैं तो इन सभी क्षेत्रों में आप कोशिश करें तो इस क्षेत्र में आपको जॉब भी प्राप्त होगी आसानी से, साथ ही साथ आपको सक्सेस भी मिलेगा। वैसे तो आमतौर पर वृश्चिक वाले बेहतरीन शिक्षक होते हैं और बड़े पत्रकार भी वृश्चिक राशि वाले होते हैं, यानी कि जो जितने भी बड़े पत्रकार हैं आप प्रायः ऐसा सुने होंगे या देखे होंगे, वो वृश्चिक राशि वाले हैं या दिखाई देते हैं। ज़्यादातर मामलों में नौकरी करके ही आप प्रसन्न रहते हैं, व्यवसाय में जाने की कोशिश कम ही करते हैं। वैसे आपके लिए नौकरी ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे आपको नई जानकारियाँ उपलब्ध कराने की। हम आपसे फिर मिलेंगे, धन्यवाद।